अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है जी डे फोर, चौथा दिन है आज हमारे चूज़े का। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है चूज़े की। देख सकते हैं प्रोमिनेंट फर्क है चूज़े में, कलर भी इनका वाइट होना शुरू हो गया और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। चूज़ा फ्लशिंग मांग रहा है, फ्लशिंग मांगने का मतलब ये है कि इसकी जो ड्रॉपिंग वाली जगह है वहाँ पे गन लगना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है चूज़ा फ्लशिंग मांग रहा है। चूज़ा थोड़ा सा ना, यानी कॉन्स्टिपेशन जिस तरह हम कहते हैं, उस तरह चूज़ा बंद होने की तरफ जा रहा है, तो इसकी इंशाल्लाह कल फ्लशिंग करवाएंगे। फ्लशिंग होती है कि पानी में हम इसकी चीनी डाल देते हैं, जिससे ये एक दो दफ़ा लूज मोशन करता है, तो उससे चूज़ा दोबारा ठीक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है चूज़े की और मोर्टेलिटी भी अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। डे फोर पे हमारी मोर्टेलिटी जो डे थ्री की हुई थी वो थी 30 मोर्टेलिटी, मतलब 30 चूज़े मरे थे 24 घंटे में डे थ्री के। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल की तरफ जा रही है, कम हो रही है, तो अल्लाह खैर रखेगा। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे होगा आलमोस्ट 32 का चल रहा है, डे फोर 32 का टेम्परेचर चल रहा है और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इस टाइम। ह्यूमिडिटी यहाँ पे चल रही है इस टाइम तकरीबन, एक मीटर देख लूँ, 71 की ह्यूमिडिटी है। ये थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि अभी जो है पीछे पैड्स के ऊपर हमने पानी को शावर करवाया था, टाइमर लगा हुआ है, वो अभी हुआ है शावर, तो अगला 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का शावर चलता है, तो वो अभी हुआ है, तो इसलिए नमी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये दोबारा 65 के राउंड अबाउट आ जाएगी। चीज़ें माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव हैं, ये देखें फील्ड को लगे हुए हैं जी, ये देखें ये जो लड़का है हमारे, इनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो रहा है 6 बजे शाम को, तो ये मोर्टेलिटी का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब ये पूरे शेड में चक्कर लगाएंगे कि कहीं पे कोई चूज़ा मरा हुआ है तो ये उसको उठाएंगे। ये अपना चक्कर कंप्लीट करेंगे तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि कितने चूज़े हमारे मरे हुए निकले हैं 12 घंटे के, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के। हाँ कितनी निकली है, 18-12 घंटे आंदी। ये 12 घंटे के 18 चूजे मरे हैं, 12 घंटे में 18 चूजे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा। ये छोटे चूजे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, बाय बर्थ कमज़ोर होते हैं, तो वो चूज़े एक्सपायर हो जाते हैं पहले हफ्ते में, ये चूज़े एक्सपायर होते ही होते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, मज़ीद आपको अपडेट साथ साथ देते रहेंगे। अच्छा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैंने आपको बता दी, 32 और आलमोस्ट 70 ह्यूमिडिटी है। और जो है मेडिकेशन की तरफ अभी तक हम चूज़े को नहीं लेके गए, सिर्फ जो है इसमें हमारे एंटीबायोटिक रात को चलती है एनरोकुलोस्टीन, जो इसके जो शुरू पहले दिन से हम इसको देते हैं, और साथ इसके मल्टी विटामिन हैं, मल्टी गोल्ड मल्टी विटामिन वो दे रहे हैं इसको, साथ सपोर्टिव एंटीबायोटिक के साथ सपोर्टिव चला रहे हैं, और माहौल इसको खुला माहौल दिया हुआ है, खुली जगह है सारे चूज़े के पास, कोई तंग नहीं है चूज़ा, सारी एडजस्टमेंट मुकम्मल है। ये देखें बल्कि जहाँ मैं चल रहा था वो जगह भी खाली हुई है, फिर भी चूज़े के पास काफ़ी जगह है, तो यही गर्मियों में यही चीज़ होती है कि आप चूज़े को अच्छी जगह दें, खुला माहौल दें। अभी देख रहे हैं हमारे डे फोर है और इस टाइम अगस्त का फर्स्ट वीक है, और हमारे 1, 2, 3, 4 पंखे चल रहे हैं दिन का टाइम में, इसलिए 4 पंखे इस टाइम चल रहे हैं।
बाकी डे फोर की कोई इतनी ख़ास अपडेट नहीं थी, यही थी कि मेडिसिन वगैरह और टेम्परेचर हमने क्या रखा हुआ, मेडिसिन कैसी है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग बल्कि वीडियो बनाएंगे कि इस मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करना है, नमी को कैसे कंट्रोल रखना है, तो ये एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर आपको फिर इंशाल्लाह दोबारा एक अलग वीडियो में मुकम्मल डिटेल देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।